नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। वेलकम बैक, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हाइट की। बहुत 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 रिक्वेस्ट आई है हाइट के बारे में, और जैसा कि आप जानते हैं सारी जानकारी हम वेरीफाइड देते हैं, सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशन यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से डायरेक्टली लेके देते हैं। सो हाइट के बारे में बात करते हैं। हाइट के बारे में आई थिंक दो तीन वीडियो मैं बनाऊंगा। पहला वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि हाइट आप कैसे पता करें कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपके बच्चों की हाइट कितनी हो सकती है, पोटेंशियल हाइट मेजर करने का एक फॉर्मूला भी है, वो भी हम देंगे लास्ट में, और आपको बताएंगे कि हाइट ग्रो ज्यादा करने के लिए क्या करें, कम होती है तो क्यों होती है कुछ लोगों की हाइट, तो वो सब के बारे में आज बात करेंगे इसी वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि आपके पेरेंट्स की जो भी हाइट है वैसी आपकी हाइट होगी, लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। जीन्स तो है ही, जेनेटिक फैक्टर तो बहुत बड़ा फैक्टर, बिग फैक्टर। तो इसीलिए अगर आपके पेरेंट्स लंबे हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हैं आपके लंबी निकलोगे, अगर आपके पेरेंट्स छोटे हैं तो चांसेस ज्यादा है कि आप छोटे निकलोगे, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है, नेसेसरी नहीं है। आप छोटे हाइट वाले लोगों के पेरेंट्स के बच्चे लंबे निकल जाते हैं, हमने देखा है। सो और भी फैक्टर्स हैं। क्या फैक्टर्स हैं? ऑब्वियसली जीन्स इज वन फैक्टर, और फैक्टर डिपेंड करता है आपके हाइट और ग्रोथ का पैटर्न। आपका ग्रोथ और हाइट कैसे जा रहा है ये पैटर्न पता करना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स की जो ग्रोथ हुआ है वो अर्ली हुआ है, डिलेड हुआ है, पहले आया बाद में आया, ये पता करना जरूरी है। अगर उनका डिलेड हुआ आपके चांसेस ज्यादा है। आपकी प्यूबर्टी, प्यूबर्टी यानी ग्रोथ स्पर्ट कब हो रहा है, जल्दी हो रहा है, बाद में हो रहा है, और कितने दिन चल रहा है, उसका मैटर करता है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि उस दौरान बचपन में आपको कोई क्रोनिक इलनेस, कोई लंबी बीमारी ना हो जाए, तब आपकी ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। और दो बड़े, सबसे बड़े कारण है न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। जी हाँ, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। जितना अच्छा न्यूट्रिशन उतनी अच्छी डाइट, एक्सरसाइज होता है, और एक्सरसाइज का बहुत ही अच्छा रोल है। एक्सरसाइज नहीं होगी तो बॉडी के अंदर स्टिमुलस कैसे जाएगा, ग्रोथ स्टिमुलस और बाकी हॉर्मोनल स्टिमुलस कैसे जाएगा, इसलिए एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और इसी के साथ मेंटल स्ट्रेस कम होना जरूरी है। आजकल बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस, परफॉर्मेंस का स्ट्रेस, टेस्ट का टेस्ट, ट्यूशन का टेस्ट, पीयर प्रेशर, इतना बड़ा बोझा, पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का टेंशन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो स्ट्रेस इज ऑल्सो बिग फैक्टर। जितना खुश रहेगा बच्चा उतना ग्रो करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। सो रिमेंबर दैट, है ना। सो आप कैसे पता करें? सबसे पहले तो अपने पीडियाट्रिशियन के पास रेगुलरली जाइए, वो आपके बच्चे का हाइट और वेट ग्रोथ मॉनिटर करेंगे, चार्ट करेंगे। ग्रोथ चार्ट में, ग्रोथ चार्ट नॉर्मली एक कर्व जैसा ग्रोथ चार्ट होता है जो बच्चों का देखा जाता है। देखा जाता है कि उनका ग्रोथ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, बेसिकली एक कर्व होता है, और फिर उसके परसेंटाइल देखा ना कि एवरेज जो उस उम्र में ग्रोथ होता है, हाइट वेट होता है, उसके एवरेज अमाउंट में आपके बच्चे का, आपका जो हाइट वेट है वो किस परसेंटाइल पे जाता है नॉर्मल के कंपैरिजन में, वो देख के प्रिडिक्ट किया जा सकता है ज्यादा बेहतर कि आपकी हाइट कैसी निकलेगी या कितनी होनी चाहिए थी, राइट, परसेंटाइल बेसिस पे। लेकिन उसका एक फॉर्मूला भी है। जी हाँ, फॉर्मूला ऐसा है कि अगर आप फीमेल, एक लड़की की हाइट देखना चाहते हैं तो उनके फादर की हाइट और मदर की हाइट चाहिए आपको। फादर की हाइट में से 5 माइनस करिए, 5 फादर की हाइट इन इंचेस, ऑब्वियसली फादर की हाइट लीजिए इंचेस में, उसमें 5 माइनस करिए 5 इंच, और मदर की हाइट ऐड करो और उसके बाद डिवाइड बाय 2, ये आपको देगी लड़की की पोटेंशियल हाइट। और लड़कों की पोटेंशियल हाइट है, मदर की हाइट लीजिए इंचेस में, उसमें 5 इंचेस ऐड करो, फिर फादर की हाइट ऐड करो, फिर डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आपको देगी लड़कों की हाइट।
ये दोनों तरीकों से आप पोटेंशियल पता कर सकते हैं। और याद रखिए, ये कोई पत्थर में लिखी लकीर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। न्यूट्रिशन इज अ फैक्टर, सबसे बड़ा एक्सरसाइज, स्ट्रेस इज अ फैक्टर। सो आपको ध्यान देना है कि उस ग्रोइंग एज में आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति, आपकी एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी, खेल कूद में आपका इन्वॉल्वमेंट अच्छा हो। डाइट में क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आपको ध्यान देना है कि आपके बच्चे का या आपका जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरा पूरा हो रहा है, यानी आपको प्रोटीन अच्छा मिल रहा है। लोग कहते हैं अंडा खाने से ग्रोथ होगा, केला खाने से ग्रोथ होगा, दूध पीने से ग्रोथ होगा। अल्टीमेटली ये सारी चीजें न्यूट्रिशन है, एक वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहिए। आपको ग्रोइंग के लिए हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, एटलीस्ट 30-35-40% आपकी पूरी कैलोरीज में प्रोटीन होना चाहिए, 30-35 दैट वे। और फिर कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, 50% के आसपास आप कार्बोहाइड्रेट लो, 15% के आसपास 10-15% फैट लो। दैट्स द आइडिया, ग्रोथ होगी इससे, राइट। प्रोटीन अच्छा चाहिए, एनिमल प्रोटीन लो, चिकन, मीट, मच्छी वो सब खाओ, या फिर आप नॉर्मल वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज ले सकते हो, दूध पी सकते हो। वेजिटेरियन सोर्सेज में आप जितनी भी आपकी दालें हैं वो ज्यादा दीजिए, फूड ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स हैं वो ज्यादा दीजिए आप उनको, जितने भी पीज है, मटर है, दूध है, पनीर है, लस्सी है, सोया है, सोया चाप है, ये सारी चीजें उनको दीजिए। अच्छा हाई प्रोटीन चीजें उनको देनी जरूरी है, गुड न्यूट्रिशियस डाइट। और ये बात याद रखिए, एनिमल प्रोटीन जो होता है वो कंप्लीट प्रोटीन होता है ना, जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड है उसमें है, क्योंकि ऑलरेडी बना है प्रोटीन। लेकिन प्लांट प्रोटीन इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए प्लांट प्रोटीन में आपको वेराइटी ऑफ चीजें खानी जरूरी है। तो एक ही प्लांट खा के आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी ग्रोथ यानी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होगी। वेराइटी ऑफ प्रोटीन सोर्सेस खाना जरूरी है, इसीलिए अलग अलग प्रकार की दालें खाइए, डबल खाइए, दूध ज्यादा बढ़ा दीजिए अगर दूध ले सकते हैं, नहीं तो प्लांट प्रोटीन सोर्सेज बहुत ज्यादा मात्रा में। पीनट बटर एक अच्छा सप्लीमेंट है, एक अच्छी चीज है जो खा सकते हैं। पीनट बटर इज वेरी गुड बच्चों के लिए, पीनट बटर बड़े भी खा सकते हैं, राइट। आप मूंगफली दीजिए, चना दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। गुड़ चना बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत सारे खाने पीने की चीजें हैं जिनमें की प्रोटीन मात्रा अच्छी है। सो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए, मल्टी विटामिन फ्रूट से आएंगे, न्यूट्रिएंट्स से आएंगे, खाने पीने की चीजों से आ जाएंगे। तो विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं होती। ओमेगा 3 चाहिए बच्चों को, धूप में विटामिन डी आराम से मिल जाएगा बच्चों को, दूध चाहिए कैल्शियम के लिए बच्चों को, और खाने पीने से, फ्रूट से कैल्शियम मिल जाएगा, केले से पोटेशियम मिल जाएगा। सो बहुत सारा न्यूट्रिशियस चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। वेराइटी ऑफ फूड खाने का यही इंपॉर्टेंस है, ऑलराइट। सो मेक श्योर कि न्यूट्रिशन अच्छा है और एक्सरसाइज हो रही है, कुछ ना कुछ अच्छी हैवी एक्सरसाइज, कुछ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, स्ट्रेस रिलीविंग है, नींद अच्छी आ रही है, स्ट्रेस नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, पीयर प्रेशर नहीं है, बच्चा बहुत ज्यादा जाना बच्चा या बड़े बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस के चक्कर में अपनी ऐसी तैसी ना कर रहे हो, ये चीजों का ध्यान रखिए। तो ये सब चीजों से आपकी हाइट, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, राइट। जितना अच्छा आप फील करते हो उतना ही अच्छा आपका ग्रोथ होता है, दैट्स द आइडिया। द मोर हैप्पी यू आर, आप उतना अच्छा ग्रो करेंगे। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, जियोगे बढ़िया, खुश रहोगे खुश रहोगे तो ही फलोगे फूलोगे, राइट। दैट्स द आइडिया। सो ये हुआ हिसाब हाइट बढ़ाने का, हाइट गिनने का, प्रिडिक्ट करने का। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि जिन लोगों को ऑलरेडी ग्रोथ स्पर्ट हो चुका है, 20 साल की उम्र से ऊपर हो गए हैं, 25 साल हो गया है, अब वो कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हाइट ग्रो होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, और स्क्रीन टाइम बच्चों का कम रखिए। छोटे चैनल पे वीडियो जाके देखिए, स्क्रीन टाइम आइज वाला, और देखना जरूर, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कर दिया करो, थोड़ा पता लगता है आप लाइक कर रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको कंटेंट। थैंक यू, आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एंड ऑल यू नीड टू डू इज स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी।